सैलून की ओर। आप लोग तो पता ही होगा कि 4 लाइन में हमेशा लोग घूमते रहते हैं। ए रुको, तो हमको छोड़ के जा रहा है, आपको लेके नहीं जाएगा काम? तो गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग, और मेरे साथ है सुजल। सबसे पहले मैं अपना फ्रेंड सुजल से मिलवाता हूँ। तो ये है हेलो सुजल। गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रोहित मेरा भाई जो है वो आज कल से इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, उसमें आप लोग बहुत बढ़िया प्यार दिखाए और आगे हल्का थोड़ा प्यार दिखाते रहें। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, यहीं हजारीबाग का झील जा रहे हैं और कन्हरी हिल, अगर टाइम मिला तो। जैसे मौसम आज हल्का ख़राब है, अगर मौसम बढ़िया रहा तो आगे जाएंगे घूमने और आपको आपके साथ शेयर करें कि वैसा फील क्या आता है वहाँ पे, जो नज़ारा रहता है वहाँ का सीन रहता है वो हम आपके साथ फील करने वाले हैं। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और फिलहाल हम लोग आपको, अभी रेडी हो चुके हैं। और आपको हम दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा, वहाँ पर हम लोग का एक्सपीरियंस रहा। चलिए हम लोग फिलहाल रूम से अपना निकलते हैं। सुजल आगे जा चुका है मेरे से, आगे बाइक निकालने के लिए। ये सुजल बाइक निकाल रहा है बाहर, रोड पे बाइक निकलेगी। सुजल निकाल दिया बाइक, हमको करना है गेट ओपन बाहर जाने के लिए। खोल दिया मैंने ये गेट और हम आ चुके हैं अपना मेन रोड पे, जो यहाँ से सीधा निकलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा इंडिका पेड़ है। कंटिन्यू इंडिका पेड़ आते ही ये जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और फाइनली हम अपना डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। ये है हजारीबाग का झील, देख सकते हैं आप। चलिए आगे कुछ दिखाते हैं आपको। ये रहा झील आप हजारीबाग का, वाटर अभी तो पानी अभी क्लियर है। हेलो गाइस, देखिए अभी हम यहाँ पे झील पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ देर में आपको नज़ारा पूरा दिखाने वाले हैं, यहाँ का सीन जो होता है। आइए देखिए, मैं रोहित भाई साथ में है। चलिए अब यहाँ हम लोग को दिखाते हैं आगे का सीन। काफ़ी लंबा एरिया पे फैला हुआ है, यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा ही है, बड़ा एरिया। देखिए हम लोग पहुंच ही चुके हैं। और यहाँ काफ़ी शांति माहौल है यहाँ, क्योंकि अभी हजारीबाग से जनसंख्या थोड़ा कम है, सारा स्टूडेंट लोग हैं वो घर चले गए हुए हैं, तो वरना यहाँ पे इतना शांत माहौल नहीं रहता है, हमेशा भीड़ ही है यहाँ पे। यहाँ पे हमेशा घूमने के लिए आते रहता है स्टूडेंट लोग। अट्रैक्टिव एरिया है हजारीबाग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं झील का, पे आके आप सब यहाँ पे बैठ के और झील का आनंद ले सकते हैं, इसका मस्ती उठा सकते हैं यहाँ से आप बैठ के। दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बोटिंग का भी फैसिलिटी है, जो कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। हम लोग वहाँ पे भी चलेंगे, अभी ये साइड है, उसका अपोजिट साइड भी वहाँ पर चलेंगे। से आगे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे घूम लिए, तो चलिए चलते हैं। देखिए आसपास इधर बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिससे वो झील अट्रैक्टिव बन रहा है। जो आप देख रहे होंगे ये वाटर अभी पूरा क्लियर है, इसके ऊपर अभी कोई पत्ता उत्ता नहीं है। कभी कभी ये होता है ना कि इसके ऊपर पत्ता आ जाता है, जिसके कारण से पानी पूरा ढक जाता है, सिर्फ आपको पत्ता ही पत्ता दिखने को मिलेगा। बट अभी वैसा नहीं है, शायद क्लीन हो चुका है, अभी पहले था अभी क्लीन हो चुका है। और जो आप ये पाथ देख रहे हैं ये चारों साइड से है झील का, जिसके थ्रू आप झील को चारों साइड से घूम सकते हैं, उसका एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लंबा पाथ बना हुआ है ये, देखिए आपको देखने को मिल रहा है। एक और रुको 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 रुको, उधर चलो, उधर 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 स्टेचू है, वहाँ पे स्टेचू के पास चलो, वहाँ पे एक स्टेचू है, मैं उस स्टेचू का आपको दिखाता हूँ, जो कि शायद महात्मा गांधी जी का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस स्टेचू को, ये देखिए आप स्टेचू दिख रहा है थोड़ा बहुत, आगे चल के दिखाते हैं अच्छा से। और ये जो पाथ है ये भी शायद इस झील को कवर किया हुआ है, इस झील का राउंड में कवर किया हुआ है, जिसके थ्रू आप झील का अराउंड
आप घूम सकते हैं बढ़िया सा। और मौसम भी अभी बढ़िया किया हुआ है, हमको तो लग रहा था कि आज बारिश ही हो जाएगा, बट बारिश हुआ नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ, आगे का पता नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे का सीन बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे जो थोड़ा इसमें झील के अंदर ये जो घास आ गया है ये थोड़ा इसका लुक ख़राब कर दिया है, झील का लुक पूरा ख़राब करके रखा हुआ है, साफ़ कर देता तो बढ़िया और रहता। देखिए वहाँ पे सुजल पहले ही चल चुका है, देखिए ये जो पूरा है यहाँ पे ये झील है, यहाँ पे पानी पूरा ढक चुका है ये पत्ता से। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं बीच बीच में पानी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए आप टापू के जैसा दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छा ही लग रहा है देखने में। देखिए ये रहा आपका स्टेचू, महात्मा गांधी जी का स्टेचू है। महात्मा गांधी जी का स्टेचू अच्छा से दिखाना चाहता हूँ, जो कि गोल्डन कलर में है। ये देखिए स्टेचू, चश्मा भी पहने हुए हैं जो कि बिना लेंस का ही है चश्मा। आपको पीछे से दिखा दीजिए एक बार, ये रहा आपका। बहुत ही बड़ा है यहाँ, आपको दिख ही रखा है यहाँ। ये सुजल यहाँ पे बैठ चुका है, तो सुजल आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यहाँ का जो सीन है ऊपर से जो सीन दिखता है बहुत बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ से पूरा फुल सीन दिखता है झील का। ये रहा झील का पीछे का एरिया, देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में आपको पानी नज़र आ रहा होगा, और ये पत्ता से ढका हुआ पानी, ये सारा पानी है, बट इस पे ऊपर जो पत्ता ढक गया है उसके कारण से आपको पानी नहीं दिख रहा है। एक वहाँ पे भी है तालाब, जो झील का ये एरिया है, आपको पहले भी बोलते हैं इसका एरिया बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं आप साइड साइड पे खजूर का पेड़ है। ये जो एरिया है ये इतना बड़ा है आप देख के शौक ही हो जाओगे। वो वाला झील है उसमें बहुत क्लीन है, उसमें कोई पत्ता वत्ता नहीं है, साफ हो चुका है, उसमें भी था आपने देख लिया ये पूरा सीन लिया। अब हम लोग यहाँ से भी निकलते हैं, बहुत इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से उतरने के लिए जो सीढ़ी लगा हुआ और आ गए नीचे, तो आगे चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग पे। स्टेचू वहाँ से देख लिया और हम यही झील के अपोजिट से जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं ये झील कितना बड़ा है, पूरा एरिया जो हम तब से घुमा रहे हो झील का ही एरिया है। और आप अगर इसमें पैदल ही घूमोगे तो आप श्योर हो कि इसमें थक जाओगे घूमते घूमते, और बैठ जाओगे कहीं थक के, इतना बड़ा एरिया है, ये फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। और हम झील का राउंड लगाते हुए झील का अपोजिट साइड आ चुके हैं, जिधर बोट चल रहे थे ना उधर ही आ चुके हैं अब हम लोग, देखते हैं इधर का सीन के इसी पेड़ से अट्रैक्ट हो गया, पता नहीं ये पेड़ का देख रहे हैं आप जो पत्ता रेड रेड है क्या चीज़ का पेड़ है हमको भी पता नहीं है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में हमको। आप बताइए अगर आपको पता होगा कि कौन सा पेड़ है तो आप बता सकते हैं, तो आप जो फल देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से। हम लोग आगे इसके और चलते हैं, तो अब हम लोग का प्लान है कैनरी हिल जाने का, यहाँ तो घूम लिए फिलहाल। और हम अब पहुंचने वाले हैं यह कैनरी हिल, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से कैनरी हिल, देखिए चलिए वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं वहाँ का सीन। तो कैनरी हिल गए, वहाँ पे सीन हो गया, एक्चुअली वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ पे जो पुलिस आए हुए हैं उन लोग का वहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, इस कारण उन लोग ने बोला कि 3 बजे हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी वहाँ पे फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे उन लोग का अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो वहाँ पे कोई भी अभी नहीं जा सकते हैं,
उन्होंने बोला कि 3 बजे के बाद आने के लिए। तो आप देख सकते हैं पीछे कैनरी हिल की, हाँ इधर देख सकते हैं जो मार्क नहीं कर पा रहे। हाँ ये देखिए ये कैनरी हिल है। हाँ तो हम लोग यहाँ पे कैनरी हिल का सामने जो फोर लाइन गया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग आके अभी यहाँ पे खड़ा हुए हैं। तो आप यहाँ का भी सीन थोड़ा देख लीजिए, काफ़ी अच्छा ही है। तो फिलहाल हम लोग अब चलते हैं रूम अपना, रूम जाएंगे अपना। फोर लाइन से भी जा रहे हैं रूम की ओर। आप लोग तो पता ही होगा कि फोर लाइन में हमेशा लोग घूमते रहते हैं। ए रुको, अरे तो हमको छोड़ के जा रहा है, हमको लेके नहीं जाएगा काम। तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग आ गए इमली चौक, देख सकते हैं आप। और इसके कुछ आगे ही हमारा रूम, और ये हम लोग का रास्ता है, गली का रास्ता है। हम लोग अपना लॉज पहुंच चुके हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं हम। और ये आ पहुंचे अपना रूम, जो कि यहाँ पे सोशल पहले से आ चुका है। पहले हम लोग अपना रूम पहुंच चुके हैं, वहाँ से घूम के आए थे। और हम आप सुजल से पूछते हैं कि आप इसको कैसा लगा वहाँ पे घूम के। सबसे पहले गाइस आप लोग को आई होप कि आप लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें सबसे बढ़िया वाली फीलिंग आई होगी। और झील तो बहुत बढ़िया से हम लोग घूम लिए, सात माह था वहाँ पे। और बंद था, कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रहा था उसके कारण बंद था, पुलिस कैंप वगैरह वहाँ पे जाते थे। और वहाँ का भी वीडियो आपको दिखाते, बट वहाँ पे बैड लक हम लोग का था, इसलिए नहीं दिखा पाए। वो नेक्स्ट टाइम कनेरी का ही डालेंगे स्पेशल वीडियो। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे, वेट कीजिएगा ज़रूर।